अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सिरी। तो मेरा जो चैनल है आपको पता ही है कि वो बेस्ड है होम रेमेडीज़ पे और प्रोडक्ट रिव्यू पे। तो आज मैं रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग और अच्छी होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि हमारा जो चेहरा है वो हमारा पिंकिश ग्लोइंग हो और हमारे फेस पे रेडनेस हो, थोड़ी सी हमारे फेस पे एक ग्लो नज़र आए और हमारी जो चीक्स हैं वो थोड़ी रेड रेड सी फील हो हमें, तो उन लोगों के लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इसलिए मैंने सोचा, अनार का मौसम भी है तो आप जितना उसका यूज़ करेंगे वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। और वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली जो नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो आपको आराम से मिल सके। तो वो चलें, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये है रेमेडी जो कि आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे, नहीं नज़र आ रहे तो मैं दिखा देती हूँ। ये है गाइस अनार के छिलकों का पल्प। इसको मैंने बनाया कैसे है वो मेथड मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। तो इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने छिलके ले लेने हैं, उनको आपने बॉयल करना है। बॉयल करना है तकरीबन आधा कप पानी डाल के आपने उनको इतना पकाना है कि वो एक अच्छा सा लिक्विडी सा एक गाढ़ा सा लिक्विड तैयार हो जाए और आपने उसको 5-10 मिनट में वो तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद ये इसकी शक्ल है, ऐसी नज़र आएगी। तो जो जो लिक्विड तैयार होगा वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ये है वो लिक्विड, ये देखें कितना गाढ़ा है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, ये देखें, ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। ठीक है, तो आपने इसको ना इतना इतनी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है ताकि ये थोड़ा सा जेल फॉर्म में लगे। तो उसके अलावा हमें इसके लिए एक लीमू चाहिए होगा, ये तो इसके अलावा हमें बेसन चाहिए होगा। आप चाहे तो आपको इस आप इसको कॉटन की मदद से आप इसको खाली भी अपने फेस पे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें बेसन मिक्स करें। अगर आप फेस पैक बना के लगाना चाहते हैं तो आप इसमें बेसन मिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा ये है रोज़ वाटर, ये भी हम इसमें लाजमी ऐड करेंगे। तो ये ले लेंगे हम और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा बन के रेडी होता है। आप इसको एज ए टोनर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इस पानी को। ये जो पानी बन के रेडी हुआ है देखें कितना लिक्विडी और कितना गाढ़ा है। और आप इसके अंदर जस्ट इसको टोनर बनाने के लिए आप इसमें रोज़ वाटर और लेमन ऐड करें और आपका ये जो टोनर है रेडी हो जाएगा। आपने इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको कॉटन की मदद से आप इसको अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फेस पैक बनाने जा रही हूँ तो चले मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे रेडी करना है। तो गाइस ये देखें, ये मैंने लीमू काट लिया इस नाइफ़ की मदद से। तो आपने इसको कट करना है और ये पूरा लेमन आपने इसके अंदर डाल देना है, इस तरह से स्क्वीज़ कर देना है इस तरह। ये देखें आपने इसको डालना है और ठीक है, ये भी आपने इसको आप इसको सारा ही डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन रोज़ वाटर को आपने स्किप नहीं करना, वो आपने लाजमी डालना है और रोज़ वाटर हर घर में मौजूद होता है। ये देखें इसको हमने इस तरह से ये बना लिया। इसके अलावा इसमें हमने ये बेसन है गाइस, एक चम्मच के करीब है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो बेसन भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। अनार जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए। ये जो है हमारे चेहरे पे रेडनेस लेकर आएगा अनार। ये आप इसको जूस बना के पी सकते हैं, आप इसको खा सकते हैं डेली। और अगर आप इसको डेली खाते हैं
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, अच्छा है। और अगर आप इसका इसका जो फेस पैक बना के लगा लें वो भी ज़्यादा बहुत अच्छा है। ये देखें गाइस, ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया। ये देखें, ये आपको इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी, ये कुछ इस तरह से इसको आपने रेडी कर लेना। ये देखें, और ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसका जो पल्प बनाना भी बहुत इजी है, उसका मेथड भी मैं आप लोगों से अभी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि होम रेमेडीज़ जो हैं हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें और अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर किया करें, ताकि आप पता चल सके कि मेरी जो वीडियोस हैं आप लोगों को कितनी अच्छी लग रही हैं, या आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।